चंबा में ईद उल फितर के पावन पर्व पर चंबा चौगान में मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज अदा की गई। इसमें चंबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों मुसलमानों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। अंजुमन इस्लामिया के जिला अध्यक्ष दिलदार अली शाह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी ईद उल फितर के उपलक्ष्य पर चंबा चौगान में नमाज अदा की गई, जिसमें सबकी भलाई, भाईचारे और देश प्रदेश की भलाई के लिए अल्लाह से दुआ मांगी गई। दिलदार अली शाह ने बताया कि ईद उल फितर खुशियां लेकर आता है और चंबा में पूरे भाईचारे के साथ सभी धर्मों के लोग बधाई देने आते हैं। आज ईद उल फितर का त्यौहार जो है चौगान नंबर 4 में ईद की नमाज पढ़ के, जिसको जामा मस्जिद चंबा के इमाम जनाब शरीफ आलम साहब ने अदा किया, मनाया गया, जिसमें चंबा के अलावा चंबा के नज़दीक जो गांव हैं, गाँव डेरा, पकानी, सरौल, राजपुरा, अरदासपुरा, उन सब लोगों ने यहाँ आके ईद की नमाज चौगान नंबर 4 में अदा की। इस खुशी के मौके पर मैं अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा की तरफ से बतौर प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लामिया मैं सब अपने चंबा के वासियों को बिलखसूस और हिमाचल प्रदेश के बाकी लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि ये त्यौहार सबके लिए खुशियाँ लेके आए। मैं खास विशेष तौर पर चंबा जो हमारा शहर है, ये जब बसाया गया था इसमें राजा चंबा द्वारा बाकी जगह से मुसलमानों को ला के यहाँ बसाया गया, इसी तरह से सरदार लोग भी यहाँ के थे, वो भी बसाए गए। और ये जो सेकुलरिज्म की बात आजकल करते हैं, ये सबसे पहले चंबा में जो चंबा स्टेट है इसमें जो है वो सेकुलरिज्म लाया गया था चंबा के राजा द्वारा। और सब हिंदू मुसलमान लोग हैं इकट्ठे बैठ के जो है इस ईद उल फितर को मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं। और यहाँ के जो गंगा जमनी तहजीब है वो मैं खुदा से दरख्वास्त करूँगा, मैं अभी वो करूँगा कि वे जो है सिलसिला है या आइंदा भी चलता रहे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए चंबा से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट।